नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सपने सुहाने NS+24। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को कौन सी बातें बताई थी। दोस्तों, जब रावण मरणासन्न अवस्था में था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, इस संसार का नीति राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाओ और उसके जीवन से कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और उनके सिर के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ समय खड़े होने के बाद खुद को अपमानित महसूस करते हैं और वापस भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं और भगवान श्री राम को सारी बात बताते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके सर के पास नहीं बल्कि चरणों के पास खड़े होना चाहिए। ये बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास जाते हैं और उनके पैरों के पास खड़े हो जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं शिक्षा देने के लिए। तब रावण ने लक्ष्मण को तीन बातें बताई थी। पहली बात है कि शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। शुभ कार्य को शीघ्र अति शीघ्र ही कर लेना उचित होता है और अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टालते रहिए। दूसरा उपदेश था, अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिसे आप कमजोर और लाचार समझते हैं वही अक्सर ताकतवर होता है। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी अपने शत्रु को कमजोर ना समझें। तीसरा उपदेश था, अपने जीवन का राज कभी किसी और को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। अपने राज को अपने तक ही सीमित रखें। यदि आप किसी को अपना राज बता देते हैं तो वो इंसान आपकी कमजोरी पकड़ लेता है। इसलिए आप अपने राज को किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।